पता है 2022 में मैंने क्या सीखा? कि लाइफ में भागते भागते हम खुद से बहुत दूर आ गए हैं, और कुछ वक्त के बाद लाइफ में खुशी की नहीं, कुछ दोस्तों की और थोड़े से सुकून की ज़रूरत होती है। तो बस उसी सुकून की तलाश में आज मैं ले चलूँगी आपको चंदनवाड़ी और बेताब वैली की तरफ। वेलकम टू माई सेकेंड ब्लॉग, और आज का ब्लॉग है हमारा चंदनवाड़ी और बेताब वैली के लिए। यहाँ सुबह के 11:30 बज चुके थे और हम लेट हो चुके थे। हम निकल चुके हैं अपने होटल से कुछ खाने की तलाश में, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। और यहाँ है भेड़ों का झुंड। मुझे किसी ने बताया कि पहलगाम का मतलब ही होता है गडरियों का गाँव। फिर क्या था, कुछ रास्ता इन्होंने हमें दे दिया आगे जाने के लिए, और थोड़ी देर बाद कुछ रास्ता हमने इनको दे दिया। तो बस JKTDC में हमने स्टे किया, पर वहाँ के खाने में कोई भी बात नहीं थी, उनके मेन्यू में कोई ऑप्शंस नहीं थे, और टेस्ट में तो कुछ भी नहीं था। रात में जैसे तैसे हमने काम चला लिया था वहाँ पे खा के, बट हम ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे। तो हमारे होटल से 1 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट था, पंजाबी रसोई, जैसा कि नाम है, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन टेस्ट, बहुत ही टेस्टी खाना था। तो हमने सोचा कि हम खाना खाते हुए वहीं से निकल जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पहुँच गए पंजाबी रसोई, बोला तो नॉर्थ इंडियन खाना, पर खा मैं रही हूँ डोसा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। और यहाँ हम निकल गए अपने खाना वाना ख़त्म करके चंदनवाड़ी और बेताब वैली के लिए। हमारे ड्राइवर भैया, जिनका नाम है फिरोजदार, अगर आपको कांटेक्ट चाहिए तो आप प्लीज़ बताना, मैं मेंशन करूँगी। ही वाज वेरी प्रोफेशनल एंड वाज वेरी नाइस। उन्होंने हमें बताया कि कमर्शियल कार्स अलाउड नहीं होते हैं, अगर आप पर्सनल कार से जा रहे हो तो ही जा सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर यूनियन होता है, और उस यूनियन में एक टैक्सी स्टैंड होता है, वहाँ पर टिकट विंडो पे जाके आप पता कर सकते हो। एक बोर्ड होता है वहाँ पे, इन्फॉर्मेशन बोर्ड, जिसमें मेंशन होता है कि आपको एक दिन में कितने स्पॉट्स कवर करने हैं, जैसे कि बाईसरन, आरू वैली, चंदनवाड़ी, बेताब वैली। तो वो उसके हिसाब से ना कैब्स के रेट्स होते हैं वहाँ पे। पर क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़े लेट थे, तो भैया ने बोला अगर हम आज आरू वैली गए तो आपके लिए काफ़ी लेट हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम चंदनवाड़ी और बेताब वैली चले जाते हैं। और चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अमरनाथ की यात्रा एक्चुअली चंदनवाड़ी से शुरू होती है। अमरनाथ की यात्रा 3 दिन की होती है, ये मैं बता देना चाहती हूँ, और वो डिस्टेंस 32 किलोमीटर्स है। इन पहाड़ों में आके पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक सा हो जाता है, सब कुछ सही लगने लग जाता है, सब अच्छा लगने लग जाता है। इसीलिए मेरा क्या कहना है ना, आप जब भी वेकेशंस पे जाओ, हमारे सबके दिमाग में होता है हमको कहीं पे घूमने जाना है, हमारे खुद के कुछ मोटिव्स होते हैं, हमें ये स्पेस क्लियर करने हैं, ये जगहों पे घूमना है। मेरा कहना है कि आप एंजॉय करो, हो सकता है एक दो जगह छूट भी जाए, बट नो वरीज, कोई बात नहीं है, छूट जाने दीजिए, लेकिन आप जहाँ पर हो ना, आप उस पूरे मोमेंट को एंजॉय करो, और हम इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। ये जो हर्ड्स देख रहे हैं आप, इसमें हमें बताया गया कि जब यात्रा शुरू होती है तो इसी स्पॉट से शुरू होती है, सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हो जाते हैं वहाँ पर, वहीं पर भक्तगढ़ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं चंदनवाड़ी, थोड़ा स्लिपरी है, उसके अलावा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो आप मेरी तरह ना करें, सामने देखकर चलें। एंड मेरा फ्रेंड भी वही कंप्लेन कर रहा है कि बहुत ही स्लिपरी है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए लगा हुआ है। जब आप बाहर कार पार्क करोगे चंदनवाड़ी में बाहर, तो वहाँ से अंदर आते वक्त कुछ गाइड्स मिलेंगे, जो कि आपसे पूछेंगे कि आपको बूट्स चाहिए या ग्लेशियर दिखाना चाहते हैं वो आपको। तो अगर आप लोकल्स को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप प्लीज़ गाइड करो, कोई इशू नहीं है, बट अदरवाइज़ वो सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस पे है,
तो वो कवर किया जा सकता है, आप वॉक करके आराम से जा सकते हो, क्योंकि बड़ा खूबसूरत लोकेशन है, आसपास के रास्ते सुंदर हैं, तो वो देखते हुए आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी लोकल्स को सपोर्ट करना वो तो बिल्कुल चॉइस होता है। उसके अलावा ज़माना तो देखिए सोलो ट्रिप का है, बट जो मज़ा दोस्तों के साथ है ना ट्रिप करने में, वो अकेले बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड कोशिश कर रहे थे इस बर्फ़ को हवा में उछाल के स्लो मोशन वीडियो बनाने की, और फिर देखिए ये हुआ क्या, मैंने इसको उछाला और वो बर्फ़ नीचे ही नहीं आई। एंड लुक एट दिस गाई इन येलो जैकेट, इज़ माई हस्बैंड प्रसून, एंड वी बोथ आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। हम काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो द पीपल हु नो मी दे हैव एनकरेज्ड अस कि हम ऐसा कुछ लेके आएँ। और अगर आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, ऐसे ही प्यार करते रहोगे, तो आई एम श्योर कि हम अपने पैशन को थोड़ा सा फॉलो भी कर पाएंगे। तो कीप सपोर्टिंग अस गाइस। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आई नीड इट, मुझे पता होना चाहिए। और वैसे आजकल ना पुराने दोस्तों से इतनी बात नहीं हो पाती है मेरी, क्या मतलब सबके साथ ऐसा ही होगा, वो पुरानी डायरी जैसे हो गए ना, है तो सही पर घर के किसी कोने के किसी ड्रॉर में। तो मेरा क्या कहना है कि आप उस डायरी को निकालो, कुछ उससे पढ़ लो और कुछ उसमें शेयर कर दो। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कितने लोगों की अपने दोस्तों से बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, और प्लीज़ मेरे कहने पे अपना फ़ोन उठाइए और कर लीजिए उनसे दो चार बातें। और ये जो रास्ता है ये जाता है हमारा बेताब वैली की तरफ। चंदनवाड़ी से बेताब वैली का रास्ता बहुत लंबा नहीं है, तो हमें हार्डली 15-20 मिनट ही लगे थे और हम बेताब वैली पहुंच गए थे। ये है बेताब वैली, जिसको पहले हगन वैली भी कहते थे, पर 1983 में जब अमृता सिंह और सनी देओल की मूवी आई जब हम जवां होंगे, उस मूवी के बाद इस वैली का नाम पड़ा बेताब वैली। और यहाँ आप देख ही रहे हैं हम भी कुछ फिल्में शूट करते हुए, एंड ये जो है ना दिस इज़ द पर्क ऑफ बीइंग विद पंजाबी फ्रेंड्स, और पंजाबी फ्रेंड्स हैं तो कुछ भंगड़ा तो होना ही होना है। पता है ये ना मोमेंट ऑफ द डे था हमारा, शाम के 4 बज गए थे तो वो ऑलमोस्ट खाली हो गया था, सनसेट होने लग जाता है इसके बाद अंधेरा होने लग जाता है, तो इसीलिए काफ़ी खाली हो गया था। और फिर उसके बाद हमें भी रियलाइज़ हुआ कि अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि जब आप कैब्स बुक करते हो ना तो उनके प्री डिफाइंड टाइमिंग्स होती हैं कि आप इतनी ही देर के लिए अंदर रह सकते हो, उसके बाद अगर आप टाइम को एक्सटेंड करते हो तो आपको फिर उसके हिसाब से उनको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करते हैं टाइम को आगे बढ़ाना, क्योंकि उनकी और भी बुकिंग्स होती हैं, वो वेट कर रही होती हैं, तो वो चाहते हैं कि आप टाइम से घूमो और इन्जॉय करके टाइम से बाहर वापस आ जाओ। और आप देख रहे हैं द शेड ऑफ पिंक, बहुत लोगों को वैसे वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं क्या दिखा रही हूँ, ये सूखे पेड़, बट ये बहुत सुंदर थे। मुझे ना बड़ा स्कॉटलैंड जैसा फील आ रहा था इन पेड़ों को देख के, इतना पिंकिश कलर था वहाँ पे, और हमने बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए, बड़े खूबसूरत पिक्चर्स आए थे हमारे। यहाँ कोई अच्छा सा सॉन्ग चल रहा था एंड वी बोथ वेयर एन्जॉइंग द मोमेंट। और ये वैसे बाहर जाने का रास्ता है बेताब वैली से, तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस चले जाते हैं पहलगाम, क्योंकि हमें वहाँ की थोड़ी सी लोकल मार्केट भी घूमनी थी और लोकल फूड भी ट्राई करना था,
तो हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे हम वहाँ पे, हमारे पास टाइम था थोड़ा, तो इसीलिए हम निकल गए टाइम से। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेके चलूँगी द्रंग वाटरफॉल, जो कि बहुत खूबसूरत है, तो वो मैं आपको घुमाऊँगी। बाकी आप ऐसे ही प्यार दीजिए, इनक्रेज कीजिए, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।